नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और प्रॉपर्टी टूर में। दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको टूर कराने वाला हूँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। फ्रंट एलिवेशन तो आपने देख ही लिया होगा, बट इसका इंटीरियर वर्क बहुत ही शानदार रहने वाला है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, छोटा पैक बड़ा धमाका। साइज में छोटा है, बट इसका जो फ्लोर प्लान है, यकीनन मानिए, उसको देख कर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी में आपको 3 किंग साइज के बेडरूम मिलने वाले हैं। स्पेशियस रहेगा हॉल, बहुत ही सुंदर प्यारा आपको रूफटॉप टेरेस गार्डन हमें आपको डेवलप करके देंगे, और पार्किंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बात करूंगा सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन की, तो आप देख सकते हैं टोलर पेंट का सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। एसएस और टफन ग्लासेस की रेलिंग आपको लगा के दे रहे हैं। साथ में आपको डिजाइनर लाइट्स का वर्क देखने को मिलेगा, प्रोफाइल लाइट का वर्क भी आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमराज यहाँ आपको लगा के दे रहे हैं। जैसे आप आगे मूव करते हैं, ये रहेगा इसका ब्रम एरिया, जिसमें एंटी स्क्रिप्ट टाइल्स लगा के दी जा रही है। मेन वॉल पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको देखने को मिलेगा। टाइल और ग्रेनाइट पत्थर का वर्क आपको मिलने वाला है। हिकविजन कंपनी का वीडियो डोर फ्रंट सिस्टम हम ये आपको लगा के दे रहे हैं। बात करूंगा मेन डोर की, तो हैवी प्रीमियम क्वालिटी का आयरन डोर ही आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको टफन ग्लासेस का वर्क आपको देखने को मिलेगा। साथ में एचपीएल मरीन शीट हम आपको लगा के दे रहे हैं, और साथ में ब्रास का डिजाइनर वर्क आपको मिलने वाला है। फ्रंट एलिवेशन पे आपने नजर मार दी है, तो अब आप अंदर चलते हैं इसके पार्किंग स्पेस में। काफी अच्छा पार्किंग स्पेस आपको मिलने वाला है। डायमेंशन की बात करूं तो 15x58 इसका डायमेंशन रहने वाला है। मात्र 97 गज में बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है। काफी स्पेशियस और काफी लग्जरी आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। पार्किंग स्पेस भी काफी अच्छा है, इसमें आप अपनी आराम से 4-व्हीलर इजिली पार्क कर सकते हैं। ट्रोलर पेंट का वर्क आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं 4 सीलिंग का वर्क, जिसमें आपको प्रोफाइल लाइट का सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे आपके किचन और ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया में, इसलिए मिल जाती है आपको बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज। इस तरफ आपको 2-व्हीलर पार्किंग स्पेस दिया हुआ है। 5000 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी का मिल जाता है वाटर टैंक। सीसीटीवी कैमराज आपको लगा के दिए जा रहे हैं। बात करूंगा मेन डोर की, तो ये देख सकते हैं वुडन का बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आपको डोर मिलने वाला है, और साथ में आप देख सकते हैं डिजाइनर वर्क यहाँ पे। और स्टेयर्स में भी अगर बात करें, वेलकम स्टेयर्स में ग्रेनाइट और टाइल्स का वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं प्रॉपर्टी को अंदर से एक्सप्लोर। वीडियो की आगे शुरुआत करेंगे सबसे पहले ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस से। ये रहेगा आपका ड्राइंग एरिया, जहाँ पे आपको 6 सीटर का सुंदर डिजाइनर सोफा लगा के दिया जा रहा है। बीच में मिल जाती है सेंटर टेबल, एंड मेन वॉल पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर वर्क आपको मिलने वाला है। साथ में वुडन का भी आपको वर्क देखने को मिलेगा। आपको डेकोरेटिव लाइट्स लगा के दी जा रही है, और साथ में डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए मिल जाता है स्पेस। एसी यहाँ आपको लगा के दिया जा रहा है, हैवेल्स कंपनी का, और डिजाइन देख सकते हैं आप 4 सीलिंग का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक डिजाइन आपको मिलने वाली है। और दोनों तरफ आपको शेल्डर लाइट्स लगा के दिया रहा है, डिजाइनर फैन आपको मिलने वाला है। इस तरफ अगर बात करें तो ये रहेगा आपका टीवी कैबिनेट पैनल, जहां पे हम आपको एक टीवी इंस्टॉल करके दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज हम आपको लगा के दे रहे हैं। यहां टोटल 4 पैनल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। 2 सीसीटीवी कैमराज हम आपको लगा के दे रहे हैं, और ये आपका टीवी कैबिनेट पैनल रहेगा, और साथ में नीचे आपको ड्रॉवर्स दी गई है सामान रखने के लिए। इस तरफ अगर बात करें तो ये रहेगा आपका काउंटर बेसिन, यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको देखने को मिलेगा वुडन का, और साथ में ये आपको डिजाइनर बेसिन भी लगा के दिया जा रहा है। और एक बार मैं आपको फोकस कराना चाहूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 सीलिंग हाइट आपको इस वाले विला में मिलने वाली है। यहाँ पे खूबसूरत झूमर हम आपको लगा के देंगे। आगे बात करें तो ये रहेगी आपकी फुल्ली मॉड्यूलर किचन, प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई आपकी किचन है। एल शेप में किचन स्लैब लगा के दिया जा रहा है। दोनों तरफ आपको मिल जाती है विंडोज, यहाँ पे आपको मिल जाती है चिमनी के लिए प्रोविजन। अपर कैबिनेट और लोअर कैबिनेट्स दोनों हम आपको लगा के दे रहे हैं, और आपके जो कैबिनेट्स रहेंगे बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर्स कैबिनेट्स रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं अपर कैबिनेट्स की बात करूं तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर्स रहेंगे, और कुछ कैबिनेट्स में आपको ग्लास सर्फेस भी कवर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको RO लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ RO इंस्टॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा फ्रिज आप यहाँ पे रख सकते हैं, और किचन के स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है वुडन का बहुत ही सुंदर प्यारा डिजाइनर वर्क, और काफी स्पेशियस आपकी किचन रहने वाली है। ईस्ट फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, और यहाँ पे भी आपको 4 सीलिंग का वर्क आपको देखने को मिलेगा। खूबसूरत शेल्डर लाइट्स आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया में देखने को मिलेगा, और इंटीरियर वर्क से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी का आज हम आपको टूर कराने वाले हैं। आगे बात करेंगे तो ये रहेगा आपका कॉमन बाथरूम, जो कि आप यूज कर सकते हैं ड्राइंग डाइनिंग और आपके ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फर्स्ट बेडरूम में। ये रहेगा ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फर्स्ट बेडरूम, काफी स्पेशियस आपका रूम रहने वाला है।
कुल्टिंग का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क देखने को मिलेगा, साथ में प्रोफाइल लाइट का भी वर्क आपको देखने को मिलेगा, वुडन का प्रीमियम क्वालिटी का वर्क आप यहाँ आपको मिलने वाला है। इस तरफ अगर बात करें तो ये रहेगा आपका वार्डरोब स्पेस, आप अपने कपड़े यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट डिजाइन है जो आजकल यूज हो रही है वार्डरोब्स में। पहले यूज होती थी आपको वुडन की वार्डरोब मिलती थी, बट आजकल ये एल्यूमिनियम और ग्लास का वर्क आपको यहाँ मिलने वाला है। और अंदर सामान रखने के लिए स्पेस दिया हुआ, जस्ट सामने मिल जाता है आपको टीवी कैबिनेट पैनल। और यहाँ अगर बात करूँ तो यहाँ पीछे आपको स्पेस दिया हुआ है, यहाँ अपनी वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं और ये बैकयार्ड स्पेस रहेगा। प्रॉपर साइड बैक छोड़ के बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है और स्पेशियस आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। वुडन की प्रीमियम क्वालिटी की आपको विंडोज़ मिलने वाली है और यहाँ पे आप अपनी जो कूलर है, आप अपना कूलर है वो भी यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। एसएस और टफन ग्लासेस की रेलिंग आपको मिलने वाली है, साथ में ब्रास का डिजाइनर वर्क आपको मिलने वाला है। बात कर लेता हूँ डायमेंशन की, तो 15x58 इसका डायमेंशन रहने वाला, मात्र 97 गज में बनी हुई है। 3 बेडरूम वाली प्रॉपर्टी है, फुली फर्निश और सेमी फर्निश दोनों तरह का ऑप्शन हम आपको यहाँ दे रहे हैं। स्टेयर्स की बात करूँ तो ग्रेनाइट टाइल्स का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है, साथ में आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप वुडन का और प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर वर्क आपको देखने को मिलेगा और साथ में सुंदर सुंदर डेकोरेटिव लाइट्स आपको स्टेयर्स में लगा के दी जा रही है। हम आ पहुंचे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे काफी स्पेस यहाँ आपको मिलने वाला है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका स्पेस रहेगा। मंदिर का टूर कराने से पहले एक बार मैं आपको टूर करा देता हूँ आपका सेकंड मास्टर बेडरूम। ये रहेगा आपका सेकंड मास्टर बेडरूम, स्पेशियस रहने वाला है बेडरूम। बेड देख सकते हैं आपका बॉक्स बेड रहेगा, आराम से आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं। और ये आपका स्लाइडर बेड रहने वाला है, आप आराम से यहाँ पे अपना जो भी सामान है वो रख सकते हैं। कुल्टिंग का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको देखने को मिलेगा, साथ में ये जो आप देख सकते हैं ये वुडन का पैनल है, वुडन वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर वर्क आपको देखने को मिलेगा और ये सेम आपकी वार्डरोब जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे जो आपको ने रूम में देखी थी सेम। यहाँ पे एक छोटा सा टीवी कैबिनेट पैनल दिया हुआ है, आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बड़ा टीवी कैबिनेट पैनल अगर डिजाइन कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे वार्डरोब भी बनाना चाहते हैं तो वही आप बना सकते हैं। रूम से अटैच मिल जाता है आपको बाथरूम स्पेस और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाथरूम में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टाइल वर्क आपको देखने को मिलेगा और फ्लोर में एंटी स्लिप साइज लगा के दी जा रही है और फिटिंग जो भी रहेगी सारी ब्रांडेड रहने वाली है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सुंदर डेकोरेटिव लाइट्स आपको लगा के दी जा रही है और फोर सीलिंग की डिजाइन आप देख सकते हैं। ये रहेगा आपका पूजा का मंदिर का स्पेस, व्हाइट कलर का बहुत ही सुंदर प्यारा यहाँ पे आपको मंदिर दिया हुआ है और आराम से आप यहाँ बैठ के अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। और ये स्पेस देख सकते हैं मात्र 97 गज में, बहुत ही अच्छा फ्लोर प्लान आपको इस वाली प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी डिजाइन करना चाह रहे हैं तो दोनों में ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम, स्पेशियस रहने वाला थर्ड बेडरूम और आप देख सकते हैं बैक पैनल में वुडन का और प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर का वर्क आपको मिलने वाला है। कुल्टिंग का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क यहाँ देखने को मिलेगा। आपका ये जो बेड रहेगा वो बॉक्स वाला बेड रहने वाला है, जिस सामने एक छोटा सा टीवी कैबिनेट पैनल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और फ्रंट साइड की बालकोनी आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस आपकी बालकोनी है। आर्टिफिशियल घास लगा के दी जा रही है और स्लाइडर विंडोज ही आपको मिलने वाली है यूपीवीसी की। एंड इस तरफ आपको मिल जाता है एक स्पेस जहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग एरिया भी लगा सकते हैं और साथ में आप अपना बाथरूम वाला स्पेस भी देख सकते हैं, काफी स्पेसेस आपका ये बाथरूम वाला एरिया रहने वाला है। और एक बार मैं आपको जो आपका थर्ड फ्लोर का प्लान है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जल्दी से टूर कर लेते हैं थर्ड फ्लोर का। 97 गज में बनी हुई प्रॉपर्टी, अगर आप सेमी फर्निश कंडीशन में लेना चाहते हैं तो मात्र 1 करोड़ रुपए में हम आपको ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा देंगे और फुली फर्निश अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मात्र 1.5 करोड़ रुपए में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अब आप ये वाला स्पेस देखिए, अब आप देख सकते हैं 97 गज में हमने कहां जहां जहां स्पेस यूटिलाइज होना चाहिए था वहां पर स्पेस हमने निकाला हुआ है फ्लोर प्लान में। ये पर्टिकुलर स्पेस है जो आप एज ए स्टोरूम यूज कर सकते हैं, आप योगा रूम बनाना चाहते हैं तो योगा रूम बना सकते हैं, आप इसको एक छोटा सा जिम स्पेस यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। आपकी हमारी जो टेरिस है, टेरिस को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक टेरिस आपकी रहेगी बैक साइड की जिसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं तो पीछे रख सकते हैं। और ये एक रहेगी आपकी फ्रंट साइड की टेरिस, फ्रंट साइड की टेरिस में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वर्क आपको मिलने वाला है और अभी इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से जो टेरिस गार्डन है वैसे डेवलप करके दिया जाएगा। अभी यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल घास लगा के दे रहे हैं
और वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे, इसलिए दोनों तरफ आपको विंडोज दी गई है। तो आपने पूरी वीडियो में देखा होगा कि मात्र 97 गज की प्रॉपर्टी में इतना वेंटिलेशन मिलने वाला है जो आपको 150 गज 200 गज की प्रॉपर्टी में मिलता है। वैशाली नगर एक्सटेंशन में आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी। और मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये जो सामने वाला पार्ट है ये मेन वैशाली नगर है। मेन वैशाली नगर से मात्र 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। एंड मेरे राइट हैंड साइड की बात करूँ तो सिरसी रोड आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड, सिरसी रोड आपकी रहने वाली है। और ये जो प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी वो सिरसी रोड, कन्नी पैलेस रोड और बजरी मंडी रोड दोनों के बीच में आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी। 15 का इसका फ्रंट रहेगा, 58 की इसकी रहेगी डेप्थ। JD अप्रूव्ड है, सेपरेट पट्टा है, 90% तक आपकी प्रॉपर्टी लोनेबल है। आपको केवल इतना करना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके अपनी इस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं और अपने सपनों का घर बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।